का राज है आपकी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम अंबाला पहुंचे। जेपी नड्डा का अंबाला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी और अंबाला से विधायक असीम गोयल मौजूद रहे। जेपी नड्डा हिमाचल से सपरिवार दिल्ली जा रहे थे, जहां अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नड्डा ने परिवार के साथ अंबाला के मशहूर गोलगप्पों और चाट का स्वाद भी चखा। नड्डा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत नहीं की और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ जा रहे थे, जिसमें बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और इसी बीच जेपी नड्डा ने वहां के गोलगप्पों का भी स्वाद चखा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हमारी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम और एक भव्य मूर्ति ऐसे इम्पोर्टेंट चौक पर स्थापित की गई है, ये निश्चित ही प्रणम्य है, अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि हमारे इतिहास के ऐसे योद्धा वीर और ऐसे महान व्यक्तित्व जिनसे प्रेरणा लेकर के चाहे वो राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र रक्षा के संकल्प को और गहरा करने की और मजबूत करने की आवश्यकता वर्तमान में और भी बड़ी है, क्योंकि आज हमारा देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और एक सुखद बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा के अंबाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पृथ्वीराज चौहान चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी और अंबाला शहर से विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गजेंद्र शेखावत ने कहा, आज हमारा देश सुखद बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में ऐसी मूर्तियां आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देने का काम करेंगे। SYL के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब में आज भी कोई हल नहीं निकल पाया, जिसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना ही ठीक है। वही देश में चल रहे लव जिहाद मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री से विवाद हुआ था, जिस पर जवाब देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछा था कि लड़की से गलत नाम से मित्रता करना और उसके बाद सही पहचान सामने आने पर लड़की को इमोशन के आधार पर ब्लैकमेल करते हुए उसको नाम और धर्म बदलने पर मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लड़की का शादी के बाद सरनेम बदलता है लेकिन मैडन नेम नहीं बदलता है। लड़की को मैडन नेम क्यों बदलना पड़ता है, उसके लिए उसे क्यों मजबूर किया जाता है, इसका जवाब पहले देना चाहिए। इस तरह के विषय पर जब समाज में बहुत सारे मामले हो रहे हैं तो समाज की अपनी जिम्मेदारी है कि सरकार को इस पर सोचने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर पंजाब के अमृतसर से है, जो कि है पंजाब के अमृतसर में जवाहर सदर थाना पुलिस ने दो लोगों को एक नाकाबंदी के दौरान 10,000 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनको पुलिस ने अदालत में पेश करके रिमांड हासिल की है। इस बारे में जानकारी देते हुए अबोहर देहाती के DSP अवतार सिंह ने बताया कि नशों के विरुद्ध चलाए अभियान के तहत गांव सैदावाली में एक नाकाबंदी के दौरान घोड़ा ट्राला राजस्थान की ओर से आता दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर घोड़ा ट्राला से 10,000 नशीली गोलियां बरामद की गई। इस घोड़ा ट्राला में सवार मनसी मसीह तरन तारण और अनवर मसीह को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब सरकार वालों नशे वड्डी मुहिम के तहत
मानयोग SSP फाजिलका साहब दिन दत्तों से ASI सज्जन कुमार इंचार्ज नौरकोट अक्सल अबोर ने सिद्धा वाली वे नाका ला के गड्डिया चेक कर रहे थे जो घोड़ा ट्रा नंबर PB05 TV 6833 चेक किया तो 10,000 नशीलियां गोलियां बरामद हुई जिदे संबंध मुकदमा नंबर 147 मिति 20/11 अंडर सैक्शन 22-85 PS सदरपुर दर्ज किया गया है। दोषियों को पेश करने तो बाद रिमांड हासिल करके अगली पूछताछ की जाएगी। इस अनवर मसीह मनसी मसीह पुत्र बलकार मसीह वासी चूसरेवड़ अनवर मसीह पुत्र भुला मसीह वासी पटियाले वस्ती फिरोजपुर और रिमांड लैके पूछताछ की जाएगी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर पंजाब के फाजिलका से है, जो कि है फाजिलका के अबोहर में गांधी चौक में सेठी गन हाउस पर रिवॉल्वर खरीदने के बहाना बनाकर आए दो लोगों ने 32 बोर का रिवॉल्वर चोरी कर लिया, जिसकी फुटेज CCTV कैमरे में कैद हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही थाना सिटी अबोहर के सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि दुकान पर 12 साल का बच्चा बैठा था और खुद गन हाउस का मालिक प्रदीप कुमार अपने खेत में चक्कर लगाने गया था, जिसके चलते दोनों चोर बच्चे को गुमराह कर 32 बोर का रिवॉल्वर ले उड़ गए। आपको बता दें कि दुकान का जो मालिक था वो खेत पर गया था और उसका 12 साल का बच्चा वहां पर बैठा हुआ था, तो उसे गुमराह करके वो दोनों चोर वहां से 32 बोर की रिवॉल्वर चुरा कर ले गए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जो कि है यूपी के बुलंदशहर में घर में सोती माँ बेटी पर नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर मोहल्ले वालों को आता देख बदमाश भाग निकले। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना करीब रात 1 बजे की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक घर में मां बेटी सो रही थी, वहां पे सोते वक्त बदमाशों ने उन पर हमला करने की कोशिश की और जब आसपास के लोगों ने देखा तो वो आरोपी वहां से फरार हो गए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर पंजाब में हो रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर है। चलिए बताते हैं आपको हमारी खबर के बारे में विस्तार से। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के बाद मालगाड़ियां चलाने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। वहीं पंजाब में खेती के लिए यूरिया खाद की कमी के चलते राजस्थान से व्यापारी और किसान यूरिया खाद ला रहे थे, जिसके चलते राजस्थान के गंगानगर जिले के कलेक्टर ने राजस्थान से पंजाब में आने वाली खाद पर पूरी तौर से बैन लगा दिया है। और पंजाब राजस्थान को जोड़ने वाले गांव गुमजार में अपनी टीमें लगाकर पंजाब को जाने वाली खाद पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नाका लगाकर खड़े अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि गंगानगर जिले के कलेक्टर ने राजस्थान से अवैध तौर पर पंजाब में जाने वाली यूरिया खाद पर बैन लगाया है। इसके चलते हम यहाँ पर नाकाबंदी करके बैठे हैं। अगर कोई राजस्थान से पंजाब में यूरिया खाद लेकर जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब में कृषि बिल को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन रेल पटरियों पर जारी था, जिससे रेल मंत्रालय को भी काफी ज्यादा गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब प्रशासन ने रेल मंत्रालयों की तरफ से किसान प्रदर्शन को खत्म कर दिया है और रेल पटरियों को हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर यूपी के रामपुर से है। यूपी के रामपुर के थाना मिलक के गांव क्योरार में मस्जिद की मीनार पर एक बंदर बीते 4 दिनों से बैठा हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने मीनार से नीचे उतारने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नीचे नहीं उतर सका। उसके बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार अशोक कुमार सिंह को बंदर के मीनार पर बैठने की सूचना दी। तहसीलदार ने लेखपाल के साथ तहसील कर्मचारियों को गांव भेजा। तहसील कर्मचारियों ने बंदर को नीचे उतारने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके। वन विभाग के कर्मचारी गांव पहुंचे और मीनार पर बैठे बंदर को उतारने का प्रयास किया,
काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने बंदर को नीचे उतारा। वन रक्षक जबकि अहमद ने जानकारी दी कि बंदर को सुरक्षित उतार लिया गया है। ऐसा था, ये लगभग 4 दिन पहले ही बंदर देखा गया। मेरा घर थोड़ा दूर पड़ता, मोहल्ले वालों ने बताया था कि बंदर वहां पर चढ़ गया है, वो उतर नहीं पा रहा है। कल जाके हमने जब देखा तो वन विभाग को फोन किया, DFO को, DFO ने 2 लोगों को भेजा, लेकिन वो कल नहीं उतार पाए। आज सुबह 4-5 लोग आए और आके उन्होंने वहां से उतारा है उसे। 4 दिन से लगातार उस मीनार पे बैठे देखा गया था उसे। तो बीच में कभी उतरता था या लगातार? कभी नहीं देखा गया उतरते हुए, देखे जब भी देखा है वहां ऊपर बैठे ही देखा गया उसे। चलिए बढ़ चलते हमारी अगली खबर की ओर। यूपी के रामपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यूपी के रामपुर में DM के आदेश पर पत्नी की शिकायत को लेकर पति के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। पत्नी ने पति की मौत का आरोप जेठ और जेठानी पर जहर देकर मारने का लगाया। दरअसल रामपुर के शाहबाद में 30 अक्टूबर को पीड़ित शहाना द्वारा जेठ कल्लू जेठानी चमन ने उसके पति नन्हे को बिना रुपए दिए 14 बीघा जमीन अपने नाम करा लेने का आरोप लगाया। थाने में तहरीर दी और कहा कि 22 जून को मेरे पति नन्हे को जेठ कल्लू जेठानी चमन ने जहर देकर मार दिया और शव कब्र में दफना दिया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पत्नी शहाना की शिकायत पर DM के आदेश पर पति नन्हे का शव कब्र से निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि पत्नी का आरोप सही है या गलत। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर में हम आपको बताएंगे कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बारे में। आइए जान लेते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटों में जानलेवा कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 91,77,841 हो गई है। वही पिछले 24 घंटों में 480 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.68% है। वही कोरोना से मृत्यु दर 1.46% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मरने वालों की कुल संख्या अब 1,34,218 हो गई है, जबकि 42,314 नए डिस्चार्ज मामलों के बाद कुल ठीक हुए मामलों की संख्या 46,04,955 है। देश में लगातार 13 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या 5,00,000 से कम दर्ज की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक 4,38,667 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामले का 85% है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर हिमाचल में है, हिमाचल से रिलेटेड है। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। जयराम मंत्रिमंडल की राज्य सचिवालय में हुई बैठक में कुल्लू मंडी शिमला और कांगड़ा जिला में रात 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इन जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसलिए पहले चरण में यह 4 जिले 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू के अधीन रहेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि COVID-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि 26 नवंबर 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यापक 31 दिसंबर 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवंबर 2020 से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान 1 जनवरी से 12 फरवरी 2021 तक बंद रहेंगे। यद्यपि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने सरकारी और प्राइवेट बसों में अब केवल 50% यात्रियों के सफर करने को अपनी मंजूरी दी है।
इसके अलावा बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर अब 1,000 रुपए जुर्माना करने का भी प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर 2020 तक पहले 3 दिनों 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50% अगले 3 दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ रैली बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर है। आपको बता दें, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ सर्दी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे जहां लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है, तो वहीं ठंड के चलते घर से लोगों का बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का आलम यह है कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। मंगलवार को सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है, इससे किसी भी चीज को देख पाना मुश्किल हो गया था। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पटपड़गंज क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है, इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। यहां पर AQI 400 पर पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं अगर ठंड की बात करें तो दिल्ली में शीतलहर जैसे हालात हो गए हैं। सुबह शाम हड़कंप मचाने वाली ठंड पड़ रही है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। IMD के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी सुबह में कोहरा या फिर धुंध और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 14 सालों में इस महीने में सबसे कम रहा। IMD के क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 14 सालों में इस महीने में सबसे कम रहा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के करनाल से एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों की माने तो इन दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली लेकर आई है। पुलिस को इनपुट मिला है कि नगरोटा में 4 दिन पहले हुए आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद आतंकियों को पनाह देने वाला ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गायब हो गए थे। ये आशंका है कि ये दोनों वही हो सकते हैं और इसीलिए इन दोनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नगरोटा और आतंकियों से जुड़े सवाल पूछ रही है। वैसे अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि दोनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला था कि 2 संदिग्धों की भूमिका नारगोटा में मारे गए आतंकियों से हो सकती है, जिसके बाद दोनों भाइयों को स्पेशल सेल हरियाणा से हिरासत में लेकर आई थी। उनसे पूछताछ में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि नगरोटा आतंकियों को उन्होंने अपने ट्रक में पनाह दी थी या नहीं दी थी। इसके बाद दोनों भाइयों को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोनों के फोटोग्राफ्स भी कश्मीर से जम्मू के रूट पर मिले थे, लेकिन आतंकियों से उनकी भूमिका अब तक साफ नहीं हो सकी है। अब जम्मू और कश्मीर की पुलिस भी उनसे पूछताछ करेगी। दोनों भाई कुलगाम के रहने वाले हैं। बड़े भाई का नाम मोहम्मद यूनुस दार, गांव मोहम्मदपुरा कुलगाम, और छोटे भाई का नाम फैसल डार है, जिसके बाद दोनों भाइयों को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दोनों के फोटोग्राफ्स भी कश्मीर से जम्मू के रूट पर मिले थे, लेकिन आतंकियों से उनकी भूमिका अब तक साफ नहीं हो सकी है। अब J&K पुलिस पूछताछ करेगी। दोनों भाई कुलगाम के रहने वाले हैं। बड़े भाई का नाम मोहम्मद यूनुजार, गांव मोहम्मदपुरा कुलगाम, और छोटे भाई का नाम फैसलदार है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने गुरुवार को घुसपैठ के दौरान रंगरोटा में 4 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों से पहले आतंकियों की पुलवामा जैसा हमला दोबारा दोहराने की साजिश थी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर, महाराष्ट्र की राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि एक ही दिन में भाजपा के दो नेताओं के बयानों ने अटकलें बढ़ा दी हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाजपा की अगली सरकार की ताजपोशी पिछले साल की तरह दिन निकलने से पहले ही बल्कि पहले नहीं बल्कि सही समय पर होगी। फडणवीस ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया कि उन्होंने कहा कि मौजूदा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार से जनता नाराज है, उनकी सरकार गिरने के बाद सरकार बनाएंगे। फडणवीस का बयान महाराष्ट्र में पिछले साल महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाने के ठीक एक साल बाद आया है। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने एनसीपी नेता अजीत पवार के समर्थन से सरकार बनाई थी, हालांकि उनकी सरकार 80 घंटे ही चल पाई थी। फडणवीस के एक बयान से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने कहा था कि भाजपा अगले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी की है। इन सबके बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमारी सरकार बाकी के 4 साल पूरे करेगी। विपक्षी नेता हताशा में बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। वे अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता सरकार के साथ है। पिछले साल जो 3 दिन की सरकार बनी थी, आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले को लेकर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो या किसी भी व्यक्ति को मानने वाला हो, उसको रहने का अधिकार है या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूल तत्व है। कोर्ट ने कहा कि हम यह समझने में नाकाम हैं कि जब कानून दो व्यक्तियों को, चाहे वह समान लिंग के ही हो या फिर ना हो, वह राज्य से ही क्यों ना हो, उनके रिश्ते पर आपत्ति करने का किसी को अधिकार नहीं है। दो व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रह रहे हैं, उस पर आपत्ति करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा प्रियांशी उर्फ समरीन और नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा के केस में दिए गए फैसलों से असहमति जताते हुए कहा कि इन दोनों मामलों में दो वयस्क लोगों द्वारा अपनी मर्जी से अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने की स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसले सही कानून नहीं है। इसी के साथ ही आज के आपका राज्य आपकी खबरों में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया